मेरे प्यारे दोस्त, मैं अविनाश और आप कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स की क्लासेस में। इस क्लासेस में हम लोग इंडिफरेंट इंटीग्रेशंस के बाय पार्ट प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है लाइक दिस। तो इस फॉर्मेशन को, क्योंकि डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशंस कर नहीं सकते, तो इसे थोड़ा सा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 into साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो अभी ये जो टर्म्स है वो 2 parts में कन्वर्ट है, एक एफ एक्स फंक्शन और एक जी एक्स फंक्शन, यहाँ एलजेब्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रल बाय पार्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं आईलेट। तो इसमें जो पहले रहेगा वो यू रहेगा और जो बाद में टर्म्स है सीरीज में आएगी वो वी रहेगा। जैसे ए को ऑब्जर्व कर रहे, तो ए हमारा एलजेब्रिक टर्म्स है और साइन इनवर्स एक्स जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है वो हमारा फर्स्ट टर्म्स है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हमारा आ रहा है इनवर्स। तो आप यहाँ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को लेट करेंगे और v इज इक्वल टू 1 को लेट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला यूज होता है, u इंटू बी डी एक्स, u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म्स इंटू डी एक्स। तो इस फॉर्मेशन का यूज़ इसमें करते हैं डायरेक्ट, 1 इज इक्वल टू, क्योंकि यू आपका साइन इनवर्स है तो वो आपका आउटसाइड में हो जाएगा, डी एक्स माइनस फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म्स, और इनका जो रिजल्ट आएगा उनको आगे हमें इंटीग्रेशन कर लेना है। देन I इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो x होगा, x इंटू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर, इनका इंटीग्रेशन x हो गया dx। नाउ I इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x माइनस, अब इसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते तो हमने फॉर्मेशन चेंज किया कि अगर 1 - x² को डिफरेंशिएट करते हैं, 1 - x² को डिफरेंशिएट करते हैं तो -2 आपको आता है। दैट मीन्स अगर x को हम -2x / -2 लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आपका यही आ जाएगा। तो उसमें जो -2 है हमने वो आउटसाइड में ले लिया, -1/2 आउटसाइड में हमारा आ गया, और ऊपर हमने ले लिया 2x / √1 - x² dx। अगेन फॉर्मेशन थोड़ा सा और चेंज करके लिखते हैं, माइनस को रहने देते हैं, माइनस को इनके साथ लिखते हैं, ये माइनस को यहाँ ले लेते हैं। तो ये जो हो गया आपका 1/2 आउटसाइड में हो गया, और 1 - x² है इसको हम ऊपर ले लेते हैं, तो अभी पावर इसका नेगेटिव में हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा -2x dx। इस फॉर्मेशन में हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि लास्ट क्लासेस जो हमने इंटीग्रेशन की इनिशियल क्लासेस थी वहाँ हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और एक फंक्शन जो आपको दिया हुआ है एफ एक्स, इसका पावर n है और उसका डिफरेंशिएशन आपको अवेलेबल है, तो इसका जो रिजल्ट हो जाता है वो एफ एक्स पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो जाता है। इस प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हैं, अगर एक्सप्लेन किया कर रहे हैं आपको कि अगर एक फंक्शन है जिसका पावर n है और इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल है तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन फंक्शन का पावर n प्लस 1 बाई दिस 1 हो जाता है। तो यहाँ पर वही ऑब्जर्व करें कि 1 - x² का जो डिफरेंशिएशन है वो -2x है, तो डायरेक्ट हम इसका इस प्रॉपर्टीज यूज़ करके इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, इंटू 1 - x² का जो भी पावर है उसमें हम 1 ऐड कर लेंगे और सेम जो पावर हम डिनोमिनेटर में भी एज इट इज़ लिख लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस वे में ये इंटीग्रेशन जो था आपका x / √1 - x² बिल्कुल सिंपल हो गया, -1/2 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये आ रहा है 1 - x² का पावर -1/2 एंड डिवाइड में 1/2। सो इसके बाद जो नेक्स्ट
टर्म्स आगे है, x साइन इनवर्स x, ये 1/2 फॉर्मेशन में हो जाएगा, और नेगेटिव टर्म्स है ये पावर, इनका पावर -1/2 है, तो ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा आपका 1 - x² 2 कैंसिल, सो फाइनल रिजल्ट x साइन इनवर्स x -1/√1 - x² + c। सो ऑन दिस वे साइन इनवर्स x का आपने इंटीग्रेशन निकाल लिया। सेम प्रॉपर्टीज का आप यूज कॉस इनवर्स x के लिए ले सकते हैं, टेन इनवर्स x के लिए ले सकते हैं, कॉट इनवर्स x के लिए, सिमिलरली sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, जो बाई फॉर्मूलाज प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं कि sec इनवर्स x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम बाई फॉर्मूला भी लर्न कर लेते हैं, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस से वो वैल्यूज आई है, तो उसमें हमने इंटीग्रल बाई पार्ट का यूज किया है। सेम वे इसमें log x का भी आप कर सकते हैं, 1 × log x, एक्सपोनेंशियल टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है तो 1 × एक्सपोनेंशियल टर्म्स कर लीजिए, तो वो इंटीग्रल बाई पार्ट में सबका इंटीग्रेशन आपको निकल जाएगा।